दर्शन न्यूज। छपरा जिले के एकवा प्रखंड में माकपा नेता अरुण कुमार सिंह ने क्षेत्र भ्रमण करने के बाद संवाददाताओं को एक भेंट वार्ता में जानकारी दिया कि एकवा प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के मंडल कार्यालय में न रहकर किसी दूसरे जगह से कार्यों का निष्पादन करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस संदर्भ में वे प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र परासर एवं जिला समाहर्ता सारण से मिलकर इस संदर्भ में जानकारी देंगे। वहीं कई उपभोक्ताओं ने भी कहा कि हम सभी लोग शिकायत लेकर आते तो हैं, लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। उक्त मौके पर गौतम सिंह, मुटुन देव राम, रामनाथ माझी, लोकनाथ शाह इत्यादि दर्जनों लोग उपस्थित थे। एकमा से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या आपका क्या कहना है आपको? हमारा कहना है, नेताजी का कहना है, बोरा पटका रहा है तो झड़ रहा है, तो अगर वैसा बोरा बना दिया जाए कि जिसमें से झड़े नहीं, जैसे आटा का बोरा आता है प्लास्टिक कोटेड में, उस तरह पैकिंग वाला दिया जाए तो नहीं झड़ेगा। ये पटुआ का जुट का रहेगा तो उसमें तो झड़ेगा ही मार। आप यहाँ कार्यरत है? जी। किस पद पर है? हम है DST में। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम है नेता जी आपका? कामरेड अरुण, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का राज्य स्तरीय नेतृत्व में हूँ। ये गांव में घूमने पर पहले जैसा तो 10 किलो 5 किलो नहीं है, बोरा की ही डिलीवरी होती है जिसमें 5 किलो से 10 किलो तक कम होता है। तो हालात देख रहे हैं, ये केवल पटकने से नहीं झरा है बल्कि इसी को मार के मरवा के और झाड़ लिया जाता है। एमओ साहब को चलिए खोजते हैं। क्या एमओ साहब यहाँ नहीं जाते हैं क्या? यहाँ ये उनका उनका ये कार्यालय नहीं, उनका चैम्बर उधर होगा। तो एमओ साहब के कार्यालय नहीं, साफ़ बोलने की नहीं मन। यहाँ तो कहा